बिलासपुर के लूहण ग्राउंड में 3 से 6 जुलाई तक होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को बिलासपुर पुलिस द्वारा एक टाइम का मुफ्त खाना दिया जाएगा। ये जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने दी। बता दें कि प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि किसी पुलिस भर्ती में आने वाले युवाओं को पसीना बहाने के बाद खाना खाने की व्यवस्था की गई है। बिलासपुर के लूहण ग्राउंड में 3 से 6 जुलाई तक होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को बिलासपुर पुलिस द्वारा एक टाइम का मुफ्त खाना दिया जाएगा। ये जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने दी। बता दें कि प्रदेश में पहली बार हो रहा है कि किसी पुलिस भर्ती में आने वाले युवाओं को पसीना बहाने के बाद खाना खाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत भर्ती के दौरान 6,000 युवाओं के लिए खाना बनाया जाएगा और दोपहर में परोसा जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार ने कहा कि इस पुलिस भर्ती में लगभग 6,000 लड़के और लड़कियां भाग लेंगी, जिनके लिए यहां पर खाने की व्यवस्था भी की गई है, क्योंकि बच्चों को सुबह जल्दी घर से आना पड़ता है। खाने की व्यवस्था के लिए स्थानीय लोगों के प्रयासों से यह संभव हुआ है। जो लड़के व लड़कियां भर्ती के लिए आए हैं, उन्हें अपने एडमिट कार्ड दिखाकर भोजन दिया जाएगा। इस वर्ष की जो महिला और पुरुष आरक्षियों की जो भर्ती है, उसके लिए बिलासपुर पुलिस ने सभी अभ्यर्थियों के लिए खाने का विशेष प्रबंध किया है। इस योजना के अंतर्गत पुलिस ने जो कुछ समाज सेवी हैं उनके साथ मिलकर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको सही समय पर भोजन मिल जाए और मुफ्त में भोजन मिल जाए, इसकी इंतजाम किए गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी अपना जो एडमिट कार्ड है उसको दिखा के खाना खा सकता है और उसमें ना तो हम उनसे कोई चार्ज करेंगे, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इस बात को ध्यान में रख के किया है कि उनको बहुत अर्ली मॉर्निंग घर से आना पड़ता है और उस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि वो सब लोग घर से खाना खा जा सकें, लंबा टाइम लगता है और ये सभी गरीब परिवेश के बच्चे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ये पुलिस ने एक स्थानीय लोगों के सहयोग से ये स्कीम चलाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उसका लाभ दिया जा सके। टोटल इस भर्ती में 5,000 करीब स्त्री और पुरुष दोनों लोग हिस्सा ले रहे हैं और इन सभी 5,000 अभ्यर्थियों के लिए एक व्यवस्था खाने की हमारे वाटर स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसमें की गई है।